नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 7 इसमें क्या शक है लिया है। इस पाठ के अंतर्गत शब्दावली और वाक्य निर्माण के बारे में बतलाया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस नवाचार शब्द सागर का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। शब्द सागर नवाचार में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली बढ़ाते हैं और भाषाई कौशल भी बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को वो आनंद लेते हैं और बिजी रहते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, संप्रेषण कला, ये सारे गुण बच्चों में धीरे 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 आने लगते हैं इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिविजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ के निर्माण, व्याख्या और समझाइश पहले से ही हो चुकी होती है। फिर क्रियान्वयन के समय जो शिक्षक होते हैं वो एक डिब्बा लेके आते हैं और डिब्बे में विद्यार्थियों से बोलते हैं कि आपने जो ये पाठ समझा है इससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उसकी पर्ची बना के इस डिब्बे में डाल दीजिए। सभी विद्यार्थी एक एक पर्ची अपनी बना के उस डिब्बे में डाल देते हैं। अगले दिन शिक्षक उस पर्ची के साथ आते हैं और बोलते हैं कि वो बताते हैं कि इसके हम एक खेल खेलेंगे और खेल खेलने के पहले इसको हम सजाएंगे। तो सजाने के लिए वो कार्ड के माध्यम से, रंगीन पेपर के माध्यम से सब बच्चों के साथ उसको सजा दिया जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं क्यों ना इसे कोई एक नाम दे दिया जाए डिब्बे का। फिर सर्वसम्मति से एक शब्द सागर उस डिब्बे का नाम दे दिया जाता है। एक विद्यार्थी को बुला के उस डिब्बे के ऊपर अच्छे अक्षरों में शब्द सागर लिखवा दिया जाता है। फिर शिक्षक बोलते हैं हम खेल की शुरुआत करते हैं। खेल किस प्रकार से खेलना है वो बताते हुए कहते हैं कि हर एक विद्यार्थी आएगा एक एक करके, अब डिब्बे में से एक पर्ची निकालेगा और पर्ची में जो शब्द लिखा होगा वो पर्ची उस बच्चे को दे दी जाएगी जिसने वो शब्द लिख के उसमें डाला है डिब्बे में। फिर वो विद्यार्थी इस कक्षा के बीच में आता है, शब्द को पढ़ता है और फिर उसका अर्थ बताता है और वाक्य बताता है। उदाहरण के तौर पे देखें, एक विद्यार्थी आता है, डिब्बे से एक पर्ची निकालता है, उसमें होशियार शब्द लिखा होता है। तो जो जिस बच्चे ने होशियार शब्द डाला था वो पर्ची उस बच्चे को दे दी जाती है। वो बच्चा सामने आता है कक्षा के सबके सामने, बीच में पढ़ता है शब्द होशियार और बताता है होशियार का मतलब चतुर होता है, और बताते हैं कि तोता बहुत होशियार था, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते हैं। ऐसा सब बच्चे करते हैं, हर विद्यार्थी ये क्रियाकलाप करता है। तो जब ये क्रियाकलाप पूरा हो जाता है तो सभी विद्यार्थियों को शब्दावली और वाक्य निर्माण के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उम्मीद है ये नवाचार आपको पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप भी अपनी कक्षा में जरूर करिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और स्कूल की लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।